राजस्थान में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों के बीच सभी पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे हैं। इसी बीच एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची जैसलमेर के वर्तमान विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी रूपाराम धनदेव के घर और उनकी दिनचर्या के बारे में बातचीत की। हमारे संवाददाता श्रीकांत जब उनके घर पहुंचे तो रूपाराम धनदेव के घर पर कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा दिखाई दिया। हमारी टीम ने उनके ड्राइवर, पर्सनल असिस्टेंट और उनकी बेटी अंजना मेघवाल से भी खास बातचीत की, जो पूर्व में जिला प्रमुख भी रह चुकी है और वर्तमान में महिला आयोग की सदस्य है। इसके साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह, मुस्लिम धर्मगुरु हुसैन फकीर, जनक सिंह भाटी ने भी बातचीत की है। उनके आसपास के लोगों ने क्या कुछ कहा है दिखाते हैं हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट नेताजी के घर से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब मतदान का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। इसी बीच हम जैसलमेर में हैं, चुनावी यात्रा के दौरान हम पहुंचे हैं कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी रूपाराम धनदेव के घर, जो वर्तमान में विधायक भी है, और जानेंगे कि क्या कुछ उनके कामकाज रहते हैं। कहते हैं कि अल सुबह निकल जाते हैं, आज शहर के आसपास के क्षेत्रों का दौरा है तो घर पर ही मिलेंगे, ऐसी सूचना पर हम भी यहाँ पहुँचे। एनडीटीवी की टीम लगातार चुनावी यात्रा में चुनावी माहौल के साथ साथ क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में भी आपको दिखा रही है। सुबह ही जो है कार्यकर्ता जो है, ये जो अलग अलग समाज के जो नेता है, जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, वो भी सुबह पहुंच गए और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो है वो भी कल सुबह पहुंच गए, क्योंकि जो है संगठन पूर्ण रूप से इस बार तैयारी कर रहा है। जिस तरह से लगातार सरकार रिपीट करने के दावे किए जा रहे हैं तो कामकाज भी वैसे, और कांग्रेस गारंटी कैंप जो है वो भी जो है रूपाराम धनदेव के घर के बाहर लगाया गया। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, उनसे भी बात करेंगे क्या दिनचर्या रहती है। सुबह हम लोग 5 बजे से पहले उठ जाते हैं और 7 बजे से पहले ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे में निकल जाते हैं। एक दिन में कम से कम 10 से 12 ग्राम पंचायतों का टूर होता है। चूंकि क्षेत्रफल बहुत बड़ा है इसलिए रात को आते आते 12 बज जाते हैं। वहाँ जनता के बीच जाकर संवाद करते हैं और जनता में बहुत ही अच्छा माहौल है और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोग अपना वोट देने का मन बना चुके हैं। देखिए, इनका कहना है कि जो है वो काफी अच्छा माहौल है। सब यहाँ पर देखिए गाड़ी तैयार कर ली गई है। हमारे साथ जो विधायक के ड्राइवर है वो है, किस तरह की दिनचर्या रहती है आपकी, क्योंकि सारथी सबसे पहले उठता है। सुबह 4:30 और 5 बजे तैयार हो जाते हैं और 6 बजे आके मीटिंग के पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। क्या कारण है इतना जल्दी निकलने का? दूरी है इसलिए, आज थोड़ा नजदीक है इसलिए आज थोड़ा लेट हो गया। बाकी दूरी मतलब 5 और 5:30 बजे रवाना हो जाते हैं, 6:30 बजे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं मीटिंग के। देखिए, अलग अलग जगहों पर मीटिंग करनी पड़ती है, इनका कहना है कि लंबा क्षेत्र है तो पहुंचना पड़ता है। हमारे साथ कुछ और लोग भी है, आप भी जो है वो विधायक जी की टीम में, क्या कुछ रहता है दिन भर में और आपका क्या काम रहता है? दिन भर में जो भी विधायक जी के प्रोग्राम होते हैं उनको कवरेज करने का रहता है। विधायक जी के स्वयं के द्वारा 5:30 बजे कॉल करके सबको उठाया जाता है टीम को, और पूरे दिन फील्ड में रहते हैं, रात को करीबन 11 बजे वापिस आते हैं। देखिए, अंदर चलते हैं, घर के अंदर भी देखेंगे, बाहर जिस तरह से कार्यकर्ता है, नेता है, वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। इनकी तस्वीरें दिखाते हुए हम अंदर चलेंगे और जानेंगे क्या कुछ दिनचर्या रहती है और किस तरह से सुबह से जो विधायक जी है वो यहाँ पर पहुँचते हैं, लगातार जो है वो चुनाव को लेकर तैयारियाँ जोरों पर है। आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ जो है वो इन चुनावी दिनों में उनका दिनचर्या रहती है, किस तरह सुबह निकलते, कुछ कार्यकर्ता भी है, किस तरह सुबह जल्दी निकलते, कई कांग्रेस के नेता भी सुबह पहुंचे हुए हैं। ये यहाँ से सुबह 7 बजे निकल जाते हैं और हर पंचायत मुख्यालय में और MLA साहब का पहले हर गांव हर ढाणी में संपर्क हुआ है और अब पंचायत मुख्यालय पे संपर्क करने जाते हैं। लोगों में उत्साह है कांग्रेस को जिताने के लिए और विधायक महोदय ने काम इतने किए तो गिनाते गिनाते लोग खुद कहते हैं कि इतना काम आज तक किसी ने नहीं किया। छोटू सिंह जी 10 साल रहा, उनका एक काम भी नहीं है। देखिए, लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुबह से कार्यकर्ता जो है वो आए हुए हैं। वहाँ की तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह से जो विधायक है वो लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इस बार वो तीसरी बार कांग्रेस की तरफ से मैदान में है तो उनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और कार्यकर्ता उनसे बात करें। कैसा, कहाँ से आए हैं? हम रेडीउड़ी ग्राम पंचायत से हैं, यहाँ गाड़ी चलाते हैं। हम लगातार 10 दिनों से घूम रहे हैं। लोग जो बोल रहे हैं कि छोटू सिंह जी पहले 10 साल विधायक रहे हैं, जो 10 साल में काम नहीं हुआ है लोगों का, वो आज
पाँच सालों में काम हो गया है। उनका कहना है कि माहौल काफी बेहतर है और तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे थे। देखिए जो विधायक जो है वो यहाँ पर मौजूद है, कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी, तीसरी बार बने, किस तरह की दिनचर्या रहती है? आज अल सुबह से ही जो है लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये जमावड़ा पिछले 45 वर्षों से ऐसा ही है। मैं असिस्टेंट इंजीनियर था, इससे भी अधिक लोग आते थे। चीफ इंजीनियर मैं बना, 35 वर्ष नौकरी की, उसके बाद 10 वर्ष राजनीति में हूँ। मेरी बेटी प्रमुख भी बनी, मैं MLA हूँ। तो मेरा 24 घंटे काम है लोगों की सेवा करना, तो ये रूटीन का काम है, इलेक्शन के हिसाब से अलग से नहीं है। बात करें सुबह निकलने की, तो लोग कहते हैं कि जब सूर्योदय होता है तब तक आप मीटिंग पॉइंट पे पहुंचाते हैं, ऐसा आपके जो आसपास काम करने वाले लोग वो बता रहे हैं। मैं सोता ही नहीं हूँ, अब लोग सोते हैं इसलिए 6 बजे जाना पड़ता है। मैं सोता नहीं हूँ, रात को 2-2.5 बजे तक मैं लोगों से मिलता हूँ, जगाता हूँ, आँखें मसल के उठते हैं, मेरे से बात करते हैं, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा है। जैसलमेर विधानसभा का एरिया 31 विधानसभा के बराबर है राजस्थान की, मतलब 31 MLA के टुकड़े करके घुमाऊँ तो पूर्ति होती है। तो इसलिए मैं तो मतलब सोता ही नहीं हूँ। एक्चुअल में मेरे घर में 7 डॉक्टर है, वो कहते हैं 6 घंटे नींद रात को लेनी चाहिए, 2 घंटे दिन को। अब नींद लें तो लोगों की सेवा नहीं होती है, गाड़ी में नींद लेते हैं, झपकी खा लेते हैं, सदैव तैयार रहते हैं। मैं सुबह 4 बजे तैयार हूँ, ठीक है ना, ड्राइवर वगैरह थोड़ा सुलाता हूँ, ये लोग 5 बजे आते हैं। आज कुछ आप लोगों से मिलना था इसलिए रुक गया, बाकी मैं 7-6.5 बजे मीटिंग पॉइंट पर पहुँच जाता हूँ। तो क्या लगता है किस तरह का माहौल है इस बार के इलेक्शन में? माहौल एक तरफा है, पिछली बार मैंने 57% वोट लिए थे, 57% पड़े हुए के, जो राजस्थान में रैंकिंग 14 नंबर की थी, मतलब मेरे से अधिक वोट सिर्फ 13 जना लिए थे, 14 मैं था। 186 जीते हुए MLA के वोट मेरे से कम थे राजस्थान में, और अब की बार लोगों का रुझान है कि 65% के आसपास मुझे वोट देने की इच्छा है, लोगों की लगती है। हो सकता है कि राजस्थान में अधिकतम वोट लेने वाले जो परसेंटेज वोट गेन करेंगे टोटल पड़े हुए में से, उसमें जैसलमेर विधानसभा का 2-3 नंबर आ सकता है। देखिए स्थिति लगातार मजबूत बताई जा रही है, लेकिन हम नेताजी के घर पर है तो जानेंगे कि जो पेन कॉपी लेकर बंदा खड़ा है क्या कुछ काम काज है आपका, क्या कुछ कर रहे हैं? सुबह से देख रहा हूँ आप इधर उधर टहल रहे हैं। मैं पूरे कार्यकर्ताओं से, विधायक महोदय के साथ पूरी तल्लीनता से काम करता हूँ। पिछले 5 साल से MLA साहब के साथ हूँ, हर कार्यकर्ता, हर बूथ लेवल के कार्यकर्ता, हर बूथ लेवल की टीम से जुड़े हुए हैं। उनको रूटीन में फ़ोन करना, उनकी समस्याओं को जानना और फिर उन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विधायक महोदय को अवगत करवाना, ये मेरी ड्यूटी रहती है। और पूरे शिद्दत के साथ जैसलमेर, उसके बाद पूरे राजस्थान, पूरे भारत के अंदर विधायक महोदय का संपर्क है, तो हम पूरे तल्लीनता के साथ, पूरी टीम हमारी लगी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा है जो हम लोग पब्लिक डेडिकेशन के काम करें। मैं देख रहा था काफ़ी जो है चाय और बिस्किट सुबह से आ रहे हैं, किस तरह तैयारी करनी पड़ती है? सुबह हम लोग 4-3 बजे उठ जाते हैं, रूटीन का वर्क है, बड़ी मुश्किल से 3-4 घंटे नींद लेनी पड़ती है और वो भी आती नहीं है बराबर। तो वर्क हमारी पूजा है, हम लोग जनता की सेवा के लिए ही है और प्रथम फोकस होता है वो जनता की सेवा और वर्क की है। सारी व्यवस्थाएं हम लोग मैनेजमेंट की तरफ कर लेते हैं और पूरा ही हमारा जो विधायक महोदय में निर्देश देते हैं उसके ऊपर तल्लीनता से वर्क करते हैं। देखिए लगातार तैयारियां जोरों पर है, कई कार्यकर्ता जो है, नेता जो है वो पहुंचे, पहले कांग्रेस से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, इस बार आप साथ हैं, किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? 2003 में इलेक्शन लड़ा हूँ कांग्रेस से, जैसलमेर से ही, इस बार ज़बरदस्त बदलाव है। 36 सीटों में हमारे साथ है, सामने कैंडिडेट राजपूत है और जबकि 50% से ऊपर अभी खुले राजपूत रूपाराम जी के साथ है। कांग्रेस की जबरदस्त आंधी चल रही है, रूपाराम जी ने जबरदस्त विकास के काम कराए, कहीं भी ये नहीं कहना पड़ता है कि इन्होंने काम नहीं कराया। उससे पहले जो भी 15 साल BJP के विधायक रहे उनको कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हमारा ये है कि भयंकर वोटों से जीतेंगे रूपाराम जी। सुबह हम 8 बजे से लेकर रात को 10-12 बजे तक जा रहे हैं और गाँव में जबरदस्त हमारा स्वागत कर रहे हैं, जबरदस्त सपोर्ट। देखिए अलग अलग समाजों की चर्चा थी, जिस तरह से राजपूत वोट बैंक जो है वो BJP का माना जाता है, क्या लगता है कैसा माहौल रहेगा इस बार? आप सुबह से लगे हुए रहते दिखते हैं। अब की बार बहुत ही अच्छा माहौल है, राजपूत टोटल कांग्रेस को वोट दे रहे क्योंकि इन्होंने 5 साल में बहुत अच्छा विकास किया है। हमारे को किसी को बुलाने की जरूरत नहीं थी, आगे से आगे लोग अपने आप आ जाते हैं, इसलिए अब की बार बहुत ही एक तरफा रुझान है कांग्रेस के प्रति और रूपाराम जी के प्रति। देखिए और भी अलग अलग समाज, जाति, वर्ग से लोग यहाँ पहुंचे हैं, कैसी दिनचर्या रहती है रूपाराम जी की? आप दिन भर साथ देखिए। बढ़िया रहती है, बढ़िया, जोरदार साहब। किस तरह की तैयारी रहती है इलेक्शन है, आप भी साथ दिख रहे हैं सुबह से लेकर, किस तरह उनके साथ जाते हैं रात तक, क्या रहता है? विकास की तो साहब इन्होंने गंगा बहाई है, इतनी विकास जो 14 पहले MLA बना है
15 एमएलए बनाए और इतना 14 की तुलना कर लो, एक की कर लो, इन्होंने बहुत विकास की, कोई कसर नहीं छोड़ी। 400 हेडपम्प, 335 ट्यूबवेल, सड़कों का जाल बिछा दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी करेंगे काम के लिए हम दौड़ रहे हैं। क्या लगता है बीट कर पाएंगे? कितना उत्साह रहता है जब सुबह निकलते, कितने बजे निकलते, रात तक कितने बजे तक का दौरा रहता है, क्या कुछ रहता है? आप भी साथ नजर आ रहे हैं। सुबह 4:30 बजे सर का फोन आ जाता है कि रेडी हो जाओ, 6:30, 5:30, 6 बजे निकल जाते हैं और लगातार सभी गाँव में 36 कौम के लोग, यहाँ तक कि ओबीसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत वोट बैंक है, उनके गांव में सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ स्वागत है। सुबह निकलते हैं, रात तक कब तक मीटिंग्स चलती रहती है? 12 बज जाते हैं घर तक आते आते, 11-12 बज जाते हैं, लगभग 15-20 ग्राम पंचायत में डेली हर मुख्यालय पर जबरदस्त स्वागत के चक्कर में, और हर आमजन चाहता है कि वो हमारे काम, जिन जिन लोगों को राहत मिली है, जैसे माध्यमिक स्कूल है खुली है, बालिका महाविद्यालय खुले हैं, ज्यादा कॉलेजें खुली है, तो लोग एकदम पूर्णतः एक भावुकता के साथ कह रहे हैं, उनको जितनी राहत मिली वो अंदर तक पहली बार फील हो रहा है, जाति धर्म उन सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ विकास पर 36 कौम वोट करने जा रहा है। देखिए, हम आज सुबह पहुंचे तो सबसे पहले जो है उनके आसपास के लोगों से बातचीत की। चुनावी हलचल चल रही है और इसी बीच जो है पूर्व जिला प्रमुख और विधायक रूपाराम धनदेव की जो बेटी है वो भी पहुंची, उनसे भी जानकारी लेते हैं किस तरह की दिनचर्या रहती है, क्योंकि आप खुद भी जो है वो सार्वजनिक जीवन में उनके साथ भी रहती है, किस तरह की दिनचर्या है विधायक जी? विधायक महोदय, जैसा कि अपन देख रहे हैं कि पहले जो जैसलमेर के विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले जिले में एक रिकॉर्डेड कार्य करवाने के लिए मुख्यतः जयपुर लेवल पर रहना पड़ता था, और अभी जो लगभग एक साल से हर क्षेत्र में क्या काम हुए हैं, क्या बाकी रहे हैं, उसके लिए लगभग 6-6:30 बजे के करीबन फील्ड में निकल जाते हैं और 10-11 बजे तक घर पे आते हैं, ताकि और जो कुछ छोटी मोटी कमियाँ थी वो भी गत वर्ष में पूरी की गई, और ये कि क्या काम हुए और आगामी क्या करना है, एक विज़न लेके आगामी, ये नहीं कि हमें वोट चाहिए, एक विज़न है कि अगर हमने 30,000 ओरण करवा दी तो 1,00,000 बीघा और ओरण करवाएंगे, अगर बालिका शिक्षा की बात करते हैं तो अगर वापस मौका मिलता है तो हर मुख्यालय पर गर्ल्स स्कूल खुलवाएंगे, इस तरह काफ़ी गोचर है, अगर हमारे आबादी का टान है, इस तरह काफ़ी विज़न लेकर जो किसान भाइयों के लिए जो मुख्यतः खाले की दिक्कत होती है उसके लिए अलग से बजट लाने की बात हो, महिलाओं के लिए अलग से कार्य योजना की बात हो, वो आगामी एक एजेंडे के साथ वो लोगों के बीच जा रहे हैं। लगातार जो है चुनाव को लेकर हलचल जारी है और इन दिनों चुनावी चर्चाओं में लोगों का क्या मूड है उसे जानने के साथ साथ एनडीटीवी की टीम ने नेताजी के घर पहुंचकर ये भी जाना कि उनकी क्या दिनचर्या रहती है सामान्य दिनों में और चुनावी दिनों में, तो जाना कि वो अल सुबह निकलते हैं और देर रात घर पहुंचते हैं। ऐसी चुनावी चर्चाओं के लिए देखते रहिए एनडीटीवी। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी जैसलमेर।